पीएम मोदी आज गुजरात के दौरे पर, न्यू इंडिया यूथ कॉन्क्लेव और दांडी में नमक सत्याग्रह स्मारक का करेंगे उद्घाटन। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज यूपी के दौरे पर, लखनऊ और कानपुर में बूथ कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। 2 फरवरी को यूपी के अमरोहा में रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। लोकपाल की नियुक्ति की मांग को लेकर आज से अन्ना हजारे का अनशन, महाराष्ट्र के अपने गांव रालेगन सिद्धि में अनशन पर बैठेंगे अन्ना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का कार्यालय भी अब लोकायुक्त की जांच के दायरे में लाया गया, मंत्रियों और विरोधी पक्ष के नेता की भी जांच कर सकेगा लोकायुक्त। अयोध्या की गैर विवादित जमीन को लौटाने की केंद्र सरकार की मांग का देवबंदी उलेमाओं ने भी किया समर्थन, कहा जो जमीन जिसकी है उसे मिलनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री ने दोपहर 3 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई, संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। चुनाव आयोग की टीम आज कोलकाता और रांची के दौरे पर, लोकसभा चुनाव की तैयारियों की करेगी समीक्षा। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली में तोड़फोड़, बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ियों में आगजनी। मिदनापुर में हिंसा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी से की बात, हिंसा और आगजनी की घटना पर जताई चिंता। अमित शाह की रैली के बाद हुई हिंसा को ममता सरकार ने बताया संगठित बर्बरता, कहा हिंसा बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार। प्रयागराज कुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक में गंगा एक्सप्रेसवे को मंजूरी, मेरठ से प्रयागराज तक बनेगा दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, पूरी कैबिनेट ने लगाई गंगा में डुबकी। रिम्स में टहलने के दौरान लालू यादव को आया चक्कर, सेवक और गार्ड ने आरजेडी अध्यक्ष को गिरने से बचाया, सूत्रों के हवाले से खबर, मंगलवार दोपहर में लालू यादव ने नहीं खाया था खाना। संगरूर से सांसद भगवंत मान को एक बार फिर आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई की कमान, मान की अगुवाई में ही पार्टी पंजाब में लोकसभा चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर आज गोवा का बजट पेश करेंगे, 3 दिवसीय बजट सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायकों ने किया वॉकआउट। पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का आज अंतिम संस्कार हो सकता है, 88 साल की उम्र में कल हुआ था निधन, पीएम समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। एनएसए अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल की अर्जी पर आज दिल्ली कोर्ट में सुनवाई, विवेक ने कारवां पत्रिका पर मानहानि का केस किया है। जज को धमकी देने के आरोप में ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा पर FIR, जज की जमीन कब्जाने का भी आरोप। बिहार के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन समेत 8 के खिलाफ आरोप तय, अगली सुनवाई 12 फरवरी को। एमपी सरकार में मंत्री सुखदेव पांसे की बढ़ सकती है मुश्किलें, पारधी दंपत्ति मर्डर केस में पांसे समेत 7 आरोपियों पर जबलपुर हाईकोर्ट ने बरकरार रखे आरोप। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश गुंडूराव की पत्नी पर केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े के विवादित बयान का विरोध, बेंगलुरु के मलेश्वरम में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में सरकार ने मीसाबंदियों के सम्मान निधि पर लगाई रोक, सीएम भूपेश बघेल बोले वो कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं है कि उन्हें पेंशन दी जाए। राजस्थान में स्वाइन फ्लू से 29 दिनों में 76 लोगों की मौत, 65 नए पॉजिटिव केस आए सामने, स्वास्थ्य मंत्री ने सरकारी अस्पतालों का किया निरीक्षण। दिल्ली में गिरफ्तार हुआ सीरियल रेपिस्ट, बच्चियों को बहला फुसला कर बनाता था अपना शिकार, अब तक 4 वारदातों का हुआ खुलासा। हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने 24 घंटे से भी कम समय में बच्चे के अपहरण की गुत्थी सुलझाई, अस्पताल में काम करने वाली एक महिला ने किया था अगवा, सीसीटीवी फुटेज ने खोले राज। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 11वीं के स्टूडेंट ने की खुदकुशी, स्कूल मैनेजमेंट की ओर से नोटिस दिए जाने से परेशान था छात्र। यूपी में आगरा की भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कुल सचिव पर छात्रा ने लगाए गंभीर आरोप, डिग्री लेने के लिए रात 12 बजे मिलने को कहा। यूपी के कौशाम्बी में रहस्यमय हालात में गोली लगने से बीजेपी नेता घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार के गोपालगंज में चोरी के आरोपी की जमकर पिटाई, लोगों की पिटाई से बेहोश हुआ पीड़ित, नाखून उखाड़ने की भी कोशिश। जम्मू कश्मीर के राजौरी में अज्ञात वाहन से टक्कर के बाद पलटी कार, हादसे में एक महिला की मौत, 3 घायल। जयपुर मेट्रो में एक बार फिर बम की धमकी मिलने से हड़कंप, एक सिरफिरे ने पुलिस कंट्रोल रूम को दी सूचना, मानसरोवर मेट्रो स्टेशन पर घंटों चला तलाशी अभियान। राजस्थान के अलवर में एक युवक ने महिला को मारी गोली, आरोपी ने खुद भी किया सुसाइड। यूपी के झांसी में मेडिकल कॉलेज के बाहर प्रधान के बेटे का संदिग्ध हालत में मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका।
बिहार के कटिहार से अखबार रजिस्ट्री ऑफिस का मुंशी पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर से बरामद, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के चंदौली में एटीएम कार्ड बदलकर फ्रॉड कर रहे युवक की भीड़ ने की जमकर धुनाई, जीआरपी के जवानों ने युवक को भीड़ से बचाया। आईपीएस वीके सिंह होंगे मध्य प्रदेश के नए डीजीपी, ऋषि कुमार शुक्ला की जगह लेंगे वीके सिंह। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सरकारी कर्मचारियों और स्कूल टीचरों का प्रोटेस्ट, पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने की मांग। उत्तराखंड में कर्मचारियों के आंदोलन पर सरकार हुई सख्त, 31 जनवरी को सामूहिक अवकाश पर जाने वाले कर्मचारियों को सचिवालय में नहीं मिलेगी एंट्री। मेघालय के जयंतिया हिल्स में रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल होने पहुंची सेना, खदान में फंसे 14 मजदूरों के बारे में अब तक पता नहीं। दिल्ली से आए पर्यटकों को उत्तराखंड के चक्राता से सकुशल किया गया रेस्क्यू, पर्यटकों ने जी मीडिया को कहा थैंक यू। झारखंड के पाकुड़ में फतेहपुर गांव से विस्फोटकों का जखीरा बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड की तलाश। हथियारों की कमी की वजह से जम्मू कश्मीर के आतंकियों में बौखलाहट, वीआईपी लोगों की सुरक्षा कर्मियों से बंदूक लूटने की कोशिश। शहर की कानून व्यवस्था जांचने रात में पैदल निकले शाहजहांपुर एसपी, कई वाहनों का काटा चलान, मैरिज हॉल के मालिकों को दी हिदायत। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में टीचर के नहीं आने की वजह से 2 महीने से नहीं खुला स्कूल, परिजनों ने सरकार से लगाई गुहार। एमपी के इंदौर एयरपोर्ट पर अब यात्रियों का स्वागत करेगा रोबोट, यात्रियों की समस्या का भी करेगा समाधान। गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने देखी ठाकरे फिल्म, शिवसेना नेता दिवंगत बाल ठाकरे के जीवन पर बनी है फिल्म,